हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दिस चैनल इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 11 ऑफ क्लास 8 पीएससीबी की न्यू टेक्स्ट बुक से नेम ऑफ द चैप्टर इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस तो एक्सरसाइज 11.1 डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड है तो पहले हम डायरेक्ट प्रपोर्शन को डिस्कस करेंगे इनवर्स प्रपोर्शन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ जब हम इनवर्स प्रपोर्शन के रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे ओके okay? सो so, पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट प्रपोर्शन से हमारा क्या मतलब है अब यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल ली है हमने पेट्रोल इन लीटर्स डिस्टेंस इन किलोमीटर्स सो अगर हमारे पास एक लीटर पेट्रोल है तो उसके साथ ट्वेंटी वन किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करती है हमारी गाड़ी अगर हम दस लीटर्स पेट्रोल डलवाते हैं तो टू हंड्रेड टेन किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर होता है ट्वेंटी लीटर्स डलवाते हैं तो फोर हंड्रेड ट्वेंटी किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर होता है एंड सो ऑन अब यहाँ पर देखो कि जैसे जैसे एक्स की मतलब जो पेट्रोल की वैल्यू है उसको हमने एक्स लिया है डिस्टेंस कवर्ड उसको हमने वाई लिया है तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे जो डिस्टेंस कवर्ड है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है ठीक है यहाँ पर वन था वन के लिए ट्वेंटी वन किलोमीटर्स फिर यहाँ पर वन इंक्रीज़ होकर टेन हो गया एंड जो डिस्टेंस है वो ट्वेंटी वन से इंक्रीज़ होकर कितना हो गया टू हंड्रेड टेन सिमिलरली यहाँ पर टेन से ट्वेंटी इंक्रीज हो गया एंड यहाँ पर टू हंड्रेड टेन से इंक्रीज होकर डिस्टेंस कितना हो गया फोर हंड्रेड ट्वेंटी सो अगर जैसे x इंक्रीज करे वैसे ही y इंक्रीज करे इन सच अ वे ये जरूरी है ठीक है इन सच अ वे दैट द रेशो x अपॉन y डज नॉट चेंज इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट सो ऐसी सिचुएशन में हम बोलेंगे कि x एंड y दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन ओके सो यहां पर देखो यहाँ पर क्या बन रहा है x अपॉन वाई वन अपॉन ट्वेंटी वन उसके बाद हमारे पास क्या है टेन अपॉन टू हंड्रेड टेन सो लास्ट के जीरोस कट गए ये कितना आया वन अपॉन ट्वेंटी वन फिर हमारे पास क्या है ट्वेंटी अपॉन फोर हंड्रेड ट्वेंटी लास्ट के जीरो कट गए टू वन जो टू 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 जो फोर टू वन ज़ा टू सो यहाँ से भी क्या आया वन अपॉन ट्वेंटी वन सो एक्स अपॉन वाई जो रेशो है ये एक्स अपॉन वाई ये देखो सभी केसेस में सेम आ रही है वन अपॉन ट्वेंटी वन वन अपॉन ट्वेंटी वन वन अपॉन ट्वेंटी वन सो ऐसे सिनेरियो में हम बोलेंगे दैट एक्स एंड वाई दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन क्योंकि एक्स अपॉन वाई की जो वैल्यू है दैट इज कॉन्स्टेंट ओके सो कॉन्स्टेंट को आप यहाँ पर नेम दे लो के तो अगर एक्स अपॉन वाई इस तरह से है एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है देन वी विल से दैट एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन ओके सो एक्स इज इक्वल टू के इन टू वाई ओके सो ये चीज़ आपने याद रखनी है एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि अगर वेरिएबल्स जैसे यहाँ पर वेरिएबल्स हैं ना एक्स एंड वाई अगर ये साथ साथ में इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि वो हमेशा ही डायरेक्ट प्रपोर्शन में हों ये वेरिएबल्स डायरेक्ट प्रपोर्शन में तभी होंगे अगर एक्स अपॉन वाई ये जो रेशो है ये कांस्टेंट रहती है जैसे मैंने यहां आपको बताया था ना कि अगर x1 अगर आप इसको x1 लेते हो दिस इज y1 वन so, सो अगर x1 वन अपॉन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू इज इक्वल टू एक्स थ्री अपॉन वाई थ्री है तभी हम बोलेंगे कि ये वाले जो वेरिएबल्स हैं दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन अगर एक्स वन अपॉन वाई वन की वैल्यू वन अपॉन ट्वेंटी वन है एंड एक्स टू अपॉन वाई टू की वैल्यू आ जाती है वन अपॉन ट्वेंटी फोर अगर इस तरह से चेंज है सो so देन ये जो वेरिएबल्स हैं दे आर नाट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन ओके सो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस चीज़ पर आपको स्पेशली बोला था कि इस चीज पर ध्यान दो इन सच अ वे अगर एक्स की वैल्यू इनक्रीज होती है तो वाई की वैल्यू भी इंक्रीज होती है बट इन सच अ वे दैट रेशो एक्स अपॉन वाई डज नॉट चेंज एक्स अपॉन वाई की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए ओके okay? सो so, आपको क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे आपको दिया होगा इस तरह से x1 की वैल्यू दी होगी y1 की वैल्यू दी होगी देन x2 की देन y2 की सो so, अगर तो ये सभी वेरिएबल्स डायरेक्ट प्रपोर्शन में है तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं x अपॉन y1 वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू ओके क्योंकि जो रेशो है x अपॉन वाई वो कॉन्स्टेंट रहती है अगर वेरिएबल्स डायरेक्ट प्रपोर्शन में है ओके okay, सो so अगर यहाँ पर देखो अगर आपको एक्स वन की वैल्यू दी है वाई वन की वैल्यू दी है एक्स टू की वैल्यू आपने निकालनी है वाई टू की वैल्यू आपको दी हुई है तो आप कैसे निकालोगे एक्स वन अपॉन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू करके एक्स वन वाई वन वाई टू इनकी वैल्यूज आपको पता है तो एक्स टू की वैल्यू आप निकाल सकते हो ओके सो स्टूडेंट्स ये थी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एक छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन सो यहाँ पर आपने चेक करना है कि एक्स एंड वाई ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या नहीं है तो आप कैसे चेक करोगे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दो वेरिएबल्स डायरेक्ट प्रपोर्शन में है तो एक्स अपॉन वाई ये जो रेशो है ये कांस्टेंट होती है ठीक है इन अदर वर्ड्स जैसे यहाँ पर देखो आपको x1 दिया हुआ है देन x2 दिया हुआ है यहाँ पर y1 दिया है y2 दिया है तो आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हो अगर x1 वन अपॉन वाई वन एक्स टू अपॉन वाई टू के इक्वल है देन यस yes, x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन ओके सो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर देखो x1 वन अपॉन वाई क्या है 9 अपॉन फिफ्टी फोर सो so, इसको सिंप्लीफाई कर लो नाइन वन सा नाइन नाइन सिक्स सा फिफ्टी फोर नाउ एक्स टू अपॉन वाई टू की वैल्यू निकाल लो दिस इज ट्वेल्व अपॉन सेवेंटी टू ट्वेल्व वन सा ट्वेल्व ट्वेल्व सिक्स सा सेवेंटी टू अब यहाँ पर देखो सिंस एक्स वन अपॉन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू सो देअर फोर एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में वेरिएशन लिखा है तो आप प्रपोर्शन की जगह पर वेरिएशन भी लिख सकते हो ओके सेकेंड पार्ट यहाँ पर x1, x2, एक्स टू वाई वन वाई टू सो एक्स वन अपॉन वाई वन कितना आ जाएगा एटीन अपॉन ट्वेंटी सेवन सेकेंड पार्ट सो नाइन टू 18, नाइन थ्री इज़ा ट्वेंटी सेवन सो दिस इज टू अपॉन थ्री दैन एक्स टू अपॉन वाई टू इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर अपॉन थर्टी सिक्स ट्वेल्व टू ज ट्वेंटी फोर ट्वेल्व थ्री इ थर्टी सिक्स सो टू अपॉन थ्री अब यहाँ पर भी देखो एक्स वन अपॉन वाई वन दिस इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू सो बिकॉज एक्स वन अपॉन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू देअर फोर मैं यहाँ पर अब सीधा ऐसे ही लिख देती हूँ आप लाइन लिख लेना पूरी x and y are in direct proportion third part x1 x2 y1 y2 so x1 upon y1 is equal to 12 upon 20 so 4 3s are 12 4 5s are 20 so this is 3 upon 5 then x2 upon y2 is equal to 14 upon 24 टू सेवन फोर्टीन यहां पर आ गया ट्वेल्व सो दिस इज सेवन अपॉन टवेल्व अब यहां पर देखो एक्स वन अपॉन वाई वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू सो देर फोर नो यहां पर एक्स एंड वाई दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन ओके सो इसीलिए मैंने आपको इंट्रोडक्टिव पार्ट में बताया था ना कि जरूरी नहीं होता अगर एक्स एंड वाई दोनों साथ साथ में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं तो फॉर श्योर sure वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में होंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन में वो तभी होंगे अगर एक्स अपॉन वाई जो रेशो है वो कॉन्स्टेंट रहती है ओके okay? फोर्थ है यहाँ पर एक्स अपॉन वाई वन इज इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन एटीन सो थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन थ्री सिक्स ज एटीन फाइव अपॉन सिक्स एक्स टू अपॉन वाई टू इज इक्वल टू नाइन अपॉन फिफ्टीन थ्री थ्री ज़ा नाइन थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन सो थ्री अपॉन फाइव अब यहाँ पर भी आप देखो एक्स वन अपॉन वाई वन दिस इज नॉट इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू सो नो एक्स एंड वाई आर नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन लास्ट पार्ट करते हैं फिफ्थ यहाँ पर एक्स वन अपॉन वाई वन इज इक्वल टू सिक्स अपॉन नाइन सो थ्री टू ज़ा सिक्स थ्री थ्री ज़ा नाइन x2 टू अपॉन वाई टू इज इक्वल टू थर्टीन अपॉन नाइनटीन पॉइंट फाइव सो नाइन्टीन पॉइंट फाइव का आप डेसीमल रिमूव कर दो तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा ज़ीरो नीचे वन नाइनटी फाइव ओके अब ये कैसे आया आपको पता है ना इस तरह से नाइनटीन पॉइंट फाइव का जब आप डेसीमल रिमूव करोगे तो नीचे टेन आ जाएगा राइट right? एंड ये वाला टेन चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में सो थर्टीन इंटू टेन हो गया ओके सो दिस इज़ 130. इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 130 हंड्रेड थर्टी अपॉन वन अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो फाइव से चला जाएगा ये फाइव टू ज़ा टेन थ्री थर्टी फाइव सिक्स ज़र्टी नीचे फ़ाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन फोर फाइव फोर्टी फाइव फाइव नाइन ज़ा फोटी फाइव थर्टीन टू ज़ा ट्वेंटी सिक्स थर्टीन थ्री ज़ा थर्टी नाइन सो दिस इज़ टू अपॉन थ्री Abhi par x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. So, yes. X and y are in direct proportion. So, students, this was question number 1 and brief introduction of exercise 11.1. .1. Question number 2 we will solve in the coming video. Thanks for watching. Take care.